आप प्रदेश के ओर से मंगल बाजार अस्पताल को बंद करवाए। नरेंद्र मोदी सरकार ने ईएसआईसी से 100 बेडेड आधुनिक हॉस्पिटल बनाने के लिए आपको चिट्ठी लिखा। आस गिराने के लिए जमीन है, लेकिन ईएसआईसी का 100 बेडेड वाला हॉस्पिटल बनाने के लिए आपके पास जमीन नहीं है, आप जमीन नहीं दे पाते हो। आज मंच से कहीं कहीं पे कोई बोल रहा है कि कोई शेर था और कोई शेरनी है। अरे भाई, शेर और शेरनी क्या खाते हैं आप जानते हैं? शेर और शेरनी तो आदमखोर होते हैं, और ये जू नहीं है। लोगों को डराने धमकाने का काम बंद कर दीजिए। ये गणतंत्र है, और ये गणतंत्र में लोगों का अधिकार है। लोग किसको अपना मत देंगे? 25 साल से ओडिशा में एक मुख्यमंत्री है, एक ही दल का शासन है, एक ही बात खाली बोलते हैं कि मैं अपना पिताजी का सपना पूरा कर रहा हूं। मेरे मन में यह सवाल आता है कि बीजू बाबू ने कितना सपना देखा था और कितने रात देखे थे, और नवीन बाबू को कितना लिखाए थे जो 25 साल तक वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। एक का पिताजी का सपना पूरा नहीं हुआ, झारसुगुड़ा में और एक निकले हैं पिताजी का सपना पूरा करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, पिताजी का सपना क्या था? मंगल बाजार अस्पताल को बंद करा देना। पिताजी का सपना क्या था? झारसुगुड़ा को आज के ढेर में परिवर्तन कर देने वाला। माताजी का सपना क्या था? अपने घर की तिजोरी भरो और झारसुगुड़ा का लोग गरीब हो जाए। ये सपना था क्या? जय श्री राम। अगर सब अपने पिताजी के सपना पूरा करने चले, तो मेरे झारसुगुड़ा के साधारण नागरिक जो आज मौलिक सुविधा से वंचित है, जो आज पानी के लिए तरस रहे हैं, जो आज घर के लिए तरस रहे हैं, जो आज जमीन के लिए तरस रहे हैं, उनका घर उनका सपना कौन पूरा करेगा? मैं आज आपको इस मंच से भगवान को साक्षी रख के आपको एक बात बोल सकता हूं। मैं कोई मंत्री या विधायक का बेटा नहीं हूं, मैं एक साधारण परिवार से आप में से एक आपके घर का एक बेटा हूं, और मेरा कोई सपना नहीं है। झारसुगुड़ा का साधारण नागरिक का जो सपना है, वो सपना को पूरा करना ही मेरा सपना है।